सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में स्टेक के बारे में पढ़ रहे थे, स्टेक को ही हम कंटिन्यूशन में करेंगे। ये है डिप्लोमा और बी फोर्स हैं के लिए जिनका सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज स्टेक एंड व्हाट आर देयर काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम स्टेक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि हम एरे के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, हमने लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया था स्टेक को, और उसके जो दो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज पुश एंड पॉप, हमने उस पर बात की थी कि वो कैसे वर्क करता है। स्टेक में हमेशा आपका जो डेटा है वो किस तरीके से काम होता है, तो उसको एक बार हम सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो स्टेक इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट ओनली वन एंड, दैट इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टेक। ओके, टॉप से ही आपका डेटा इंसर्ट होगा, टॉप से ही आपका डेटा डिलीट होगा। इस कारण इसका एक कंसेप्ट बोलते हैं लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, जो लास्ट में सबसे इन हो रहा है वही सबसे पहले आपका आउट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ में देखें तो डिशेस, प्लेट ऑफ डिशेस है ना, आपके पास ऐसे बंच में आपके पास रहते हैं प्लेट्स, तो प्लेट हम क्या करते हैं, टॉप में जो रहता है वही टॉप का प्लेट हम ऊपर निकालते हैं, और टॉप में सबसे लास्ट में आपका प्लेट इंसर्ट होता है। जैसे डेक ऑफ कार्ड्स आपके पास रखे हैं, जैसे डेक रहता है तो आप फ्रंट सबसे ऊपर वाला ही कार्ड निकालते हैं, ना कि इन बिटवीन या लास्ट से हम निकालते हैं। तो ये हमारा था स्टेक। इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरे, पॉइंटर और लिंक लिस्ट, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने एरे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। फिर इसमें दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप। पुश आपका क्या होता है, डेटा इंसर्ट करना, और पॉप मतलब होता है कि स्टैक से पर्टिकुलर डेटा रिमूव करना। ये दोनों काम किस में होता है, टॉप एलिमेंट पे ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैक के एप्लीकेशन में। सबसे पहला है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम रेगुलरली हम अगर मैथ्स पढ़े हैं, हमने 6th-7th क्लास में एक रूल पढ़ा था, दैट इज बॉडमास रूल। ओके, बॉडमास क्या होता है, ब्रैकेट देन मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं। सेम है अर्थमेटिक ऑपरेशन में। सबसे पहले ये क्या है, इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है। ओके, तो सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको देनी है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमको सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है और उसको हमको पहले एग्जीक्यूट करना है। देन हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो एक्सपोनेंशियल के बाद हमारा जो डील करने का जो पार्ट है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो वो नेक्स्ट हाईएस्ट है। और लोएस्ट में है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये तीन आपके पार्ट है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जब भी आपको इवैल्यूएट करना हो तो हमको तीन बेसिक पॉइंट याद करना है कि सबसे पहले हमको हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सप्लेनेशन पार्ट को देना है, देन नेक्स्ट हाईएस्ट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और आपका जो लोवेस्ट है वो आपका क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप देखेंगे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 2 exponential 3 plus 5 * 2 exponential 2 - 12/6। अगर मैं इसको सॉल्व करने चाहूँ तो सबसे पहले पार्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वी हैव टू इवैल्यूएट फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल। तो हमको किसको पहले इवैल्यूएट करना है, 2 exponential 3 और 2 exponential 2। अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, 2^3 = 8 और इसको इवैल्यूएट करें, 2^2 = 4। तो मैंने सबसे पहले उसको इवैल्यूएट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, 2^3 = 8, 2^2 = 4। तो यही हो गया। ओके, हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज 8 + 5 * 4 - 12/6। नाउ अवर नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन एंड
डिवीजन, ना कि हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. पहले हम किसको प्रेफर करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो 5 इज ट्रिक 4 एंड 12 डिवाइड बाय 6. अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या मिलेगा आपको? 2. और 5 इज ट्रिक 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 4 20. तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 8 प्लस 20 माइनस 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू आपका क्या है? 20. अब हम क्या करें? मल्टीप्लीकेशन हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हमारे पास क्या वैल्यू आया? 8 प्लस 20 माइनस 2, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26. तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो है आपकी 26. तो ये एक पार्ट था, छोटा सा पार्ट था कि हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, उसको कैसे प्रोसेस में लाएंगे. तो हमारे को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको देनी है वो है आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट. देन नेक्स्ट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. एंड द लास्ट में जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है आपका पॉलिश नोटेशन. आइए उसको देखते हैं. तो हम देख रहे हैं अभी पॉलिश नोटेशन. पॉलिश नोटेशन आपका क्या है? इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. ओके, हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारे जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टैक में पुट कर रहे हैं, और कैसे इवेलुएट होगा इस चीज़ को पता कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम पॉलिश नोटेशन पढ़ रहे हैं तो हमको 3 मेन टर्म पढ़ने हैं उसमें. दैट इज इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड आपका क्या है? पोस्टफिक्स नोटेशन. हम इनफिक्स नोटेशन को पॉलिश नोटेशन बोलते हैं और पोस्टफिक्स नोटेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं. और इनफिक्स नोटेशन आपका जनरल जो आप टर्म्स में यूज करते हैं जैसे लिखते हैं वो है. तो सपोज अगर मैं इनफिक्स नोटेशन का डेफिनेशन बोलूँ कि कोई भी दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर लगना, ये ए एंड बी आपका क्या है? दे आर कॉल्ड ऑपरेंड. और आपका जो प्लस या जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ऑपरेटर, है ना? ओके, अ नोटेशन इन विच ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स. ओके, अ नोटेशन इन विच ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स दैट इज कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन. सपोज एग्जाम्पल है ए प्लस बी, सी माइनस डी, ई एस्पेक्ट एफ और जी स्लैश एच. दिस इज कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन. अगर मैं आती हूँ प्रीफिक्स, ओके, जिसको हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं. टर्म याद रखिएगा, पॉलिश नोटेशन हम प्रीफिक्स को इवैल्यूएशन के लिए बोलते हैं और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन के लिए हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की, ओके, प्रीफिक्स मतलब हम जनरल टर्म से अगर समझें तो प्री मतलब पहले, ओके, पोस्ट मतलब बाद में. तो हमारा क्या रहेगा? जो ऑपरेटर है वो पहले आएगा और उसके बाद आपके क्या आएंगे? ऑपरेंड्स. ओके, अ नोटेशन इन विच ऑपरेटर इज प्लेस्ड फर्स्ट देन आफ्टर, उसके बाद जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ऑपरेंड्स रहेगा. सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए प्लस बी, ये आपका किस में लिखा हुआ है? इनफिक्स नोटेशन पे. अगर इसको हम प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस वैल्यू पहले आ गई फिर ए बी, तो ये आपका क्या हो गया? ऑपरेटर आपने पहले लिखा और ये ए बी आपका क्या है? ऑपरेंड. तो क्या हो गया कि कभी भी जो कोई भी ऑपरेटर अगर पहले आ रहा है उसके बाद ऑपरेंड आ रहा है, उस काइंड ऑफ नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिश नोटेशन या प्रीफिक्स नोटेशन. ओके, सिमिलरली अगर c माइनस डी की बात करूँ तो माइनस सी डी, ई एस्ट्रिक एफ एस्ट्रिक ई एफ, जी स्लैश एस स्लैश जी एस, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स पॉलिश नोटेशन. अगर मैं बोलूँ कि पोस्टफिक्स नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इसमें क्या होता है कि एन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर दी ऑपरेंड्स, मतलब आपका ऑपरेंड्स पहले आएगा देन उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा. वही सेम एग्जाम्पल ए प्लस बी को हमको अगर पोस्टफिक्स में लिखना है तो ए प्लस ए बी प्लस सी माइनस डी सी डी माइनस ई एस्ट्रिक एफ ई एफ एस्ट्रिक जी स्लैश एच जी एच स्लैश,
इस तरीके से हमारा क्या होता है, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएट होता है. सपोज हम चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमको पर्टिकुलर ये किसमें दिया है, इनफिक्स में दिया है. अब हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में. ओके, तो यहाँ पे देखिए आप ए प्लस बी एस्पेक्ट सी. तो हमको क्या करना है, अगेन आपका कंसेप्ट आता है बॉडमस रूल, जिसमें आपको विद इन ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, देन आप पर्टिकुलर सॉल्व करोगे. तो अभी यहाँ पे ए प्लस बी आपकी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि वो आपके क्या है, विद इन ब्रैकेट है. अगर मैं प्रीफिक्स में सॉल्व करूँ, प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आते हैं देन आपके ऑपरेंड्स आते हैं. तो ये प्लस ए बी और यहाँ पे हो गया एस्ट्रिक सी. अब हम इसको पर्टिकुलर क्या लेते हैं, ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका टर्म हो गया. सपोज ये हो गया आपका डी, या ऐसे नहीं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. तो ये वाला जो ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, पहले आएगा. तो ये हो गया एस्ट्रिक, ये हो गया आपका ए बी, ये वाला टर्म ए, और ये आपका हो गया सी दूसरा टर्म. तो आप देखिए कि आपका जो ऑपरेटर पार्ट है वो पहले है, फिर आपके क्या है, ऑपरेंड्स पार्ट. ओके, सिमिलरली सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है उसमें भी देखिए ए प्लस बी एस्पेक्ट सी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो एस्पेक्ट पहले आएगा देन बी सी. तो ये पूरा पार्ट आपका एक सिंगल वैल्यू रहेगा, ये दूसरा वैल्यू रहेगा. अगेन आपका क्या हो जाएगा, प्लस पहले आ गया, फिर आपका ए आया एक वैल्यू, और ये आपका दूसरा वैल्यू. तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना. अगेन आप यहाँ पे देखिए एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है. तो पहले हम विद इन ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस ए बी स्लैश माइनस सी डी. ओके, अब ये दोनों वैल्यू का है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा पहले स्लैश, फिर आ जाएगा प्लस ए बी, और आपका आ जाएगा माइनस सी डी. तो इस तरीके से पर्टिकुलर इनफिक्स की वैल्यू दी है, हमको उसको पॉलिश नोटेशन में चेंज करना है, प्रीफिक्स में चेंज करना है, तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे. अब जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन के लिए, तो उसके लिए हमको एक पढ़ना पड़ेगा एल्गोरिथम. आइए उसको देखते हैं. तो अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स. ओके, पोस्ट फिक्स का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको क्या है, एक एल्गो देखना पड़ेगा. एल्गोरिथम क्या बोलते हैं कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई, दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पी, है ना. पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया है, हमको उसका क्या करना है, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन निकालना है. तो उसके लिए हमको क्या है, एल्गोरिथम को फॉलो करना रहेगा. तो एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है देखते हैं. एट अ राइट पैरेंथेसिस, ओके, सबसे आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया है, सपोज आपके पास कोई टेन वैल्यूज दी हुई है आगे पीछे, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने एक्सप्रेशन के लास्ट में राइट पैरेंथेसिस लगाना है, ताकि स्टैक में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन पॉप कर रहे हैं, तो लास्ट अगर हमारा राइट पैरेंथेसिस पॉप हो रहा है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि स्टैक का ये लास्ट वैल्यू है. हमको अपना क्या करना है, एल्गोरिथम या जो भी पार्ट है उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, और हमको वहां से एग्जिट हो जाना है. तो सबसे पहले बोल रहा है कि एट अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पी, है ना, जिसको हम बोलते हैं दिस इज एक्ट एज सेंटिनल. ओके, लास्ट वैल्यू स्टेक की, दिस इज एक्ट एज सेंटिनल. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, राइट पैरेंथेसिस पुट कर दिया अपने एक्सप्रेशन पे. हम एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं. उसके बाद बोल रहे हैं स्कैन पी, हमको पर्टिकुलर जो स्कैन एक्सप्रेशन दिया है पी, उसको हमको स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमको लेफ्ट से लेके राइट तक उसको स्कैन करना है. उसके बाद बोल रहे हैं एंड रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अनटिल द सेंटिनल इज एनकाउंटर्ड. हमको ये लूप अपना जो है, ये प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक हमके पास लास्ट में जो राइट पैरेंथेसिस है वो एनकाउंटर नहीं हो जाता. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि वी हैव टू पुट राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. देन सेकंड स्टेप बोल रहा है कि हमको स्कैन करना है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पी को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कब तक करना है, और ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आपके पास
राइट पैरल वर्सेस वाली वैल्यू जो है वो आपका एनकाउंटर नहीं हो जाता. ओके, फिर कब तक? हर एक एलिमेंट के लिए. ओके, फिर उसके बाद अगर एक ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड मतलब ए बी वॉट एवर अदर देन ऑपरेटर वाली जो वैल्यू है वो, इट मे बी इट मे बी वन टू न्यूमेरिक फॉर्म, इट मे बी अल्फाबेटिक फॉर्म. तो अगर एक ऑपरेंड वैल्यू आ रहा है तो हमको उसको क्या करना है, स्टेप में पुट करना है. इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, पुट इट ऑन स्टेप. ओके, उसके बाद बोल रहा है इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड. ओके, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट. अगर एक ऑपरेंड आया जैसे वन टू ए बी सी डी वॉट एवर, अगर ऑपरेंड आया तो हमको क्या करना है, उसको स्टेप में पुट करना है. उसके बाद अगर स्टेप जो है वो बोल रहा है कि अगर ऑपरेटर आ रहा है जैसे कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिलीशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल वॉट एवर, इस स्टेप का ऑपरेटर आ रहा है तो हमको क्या करना है, तीन स्टेप फॉलो करने हैं. रिमूव द फर्स्ट वैल्यू, हमारे पास स्टेप में ऑलरेडी वैल्यूज होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑपरेटर और ऑपरेंड्स दोनों प्रेजेंट होंगे. तो अगर स्टैक में जो आपके पास वैल्यू है तो उसमें क्या करना है, हमको लास्ट मतलब टॉप के टू एलिमेंट्स को रिमूव करना है स्टैक से और जो ये ऑपरेटर आया उसके साथ इवैल्यूएट करना है. सपोज मेरे पास स्टैक में लास्ट में 5 और 4 था और मेरे पास यहाँ पे एनकाउंटर हुआ ऑपरेटर वो है एस्ट्रिक, तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों एलिमेंट को रिमूव करूँगी, इन दोनों पे क्या करूँगी, 5 एस्ट्रिक 4, इसकी वैल्यू क्या है, 20. इसको मैं इवैल्यूएट करके अपने पास रखूँगी और रिजल्ट को वापस कहाँ पुट करूँगी, स्टैक में पुश करूँगी. उसके बाद क्या बोल रहा है, सेट द वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक. ओके, जो भी हमारा टॉप एलिमेंट है स्टैक में मतलब कि रिजल्ट आने के बाद उसको हमको क्या करना है, स्टैक में रखना है. तो इस तरीके से आपका क्या है, ये वाला एल्गोरिथम काम करेगा. हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको, तो देखते हैं हमारे पास एक इवैल्यूएशन का भी हमने जो एल्गोरिथम देखा उसी को हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स द वैल्यू 5, 6, 2 प्लस एस्ट्रिक 12, 4/4 माइनस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम हमको पहला स्टेप क्या बोल रहा था कि वी हैव टू पुट राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस वैल्यू को रख दिया. अब ये आपका एक्सप्रेशन कितने वैल्यूज कंटेन करके रखा है, हमने उसको क्या की, नंबरिंग कर ली है ना, 5 फर्स्ट पोजीशन में, 6 सेकंड पोजीशन में, 2 थर्ड पोजीशन में, प्लस 4th पोजीशन में, 5th में आपका एस्ट्रिक 5th पोजीशन में, 12 6 4th आपका 7th पोजीशन में / 8 डिवीजन वाला जो 8th है माइनस वाला 9th में है और राइट पैरेंथेसिस जो है वो 10th पोजीशन में. ये लगाना कंपलसरी क्यों है, ताकि आपको पता चले कि आपका स्टैक यहाँ पे वो मतलब ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे ओवर हो रहा है. अब आपका जो एल्गोरिथम है वो क्या बोल रहा था, पहले राइट पैरेंथेसिस लगाना, हमने राइट पैरेंथेसिस लगा लिया. उसके बाद बोल रहा था हमको स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कब तक हमको स्कैन करना है, जब तक आपको राइट पैरेंथेसिस की वैल्यू एनकाउंटर नहीं हो जाती. ओके, हम यहाँ तक अपने क्या करेंगे, एक एक करके एक एक पी की वैल्यू को हम स्कैन करेंगे. उसके बाद बोल रहा था कि ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक ये, उसके बाद हमको दो स्टेप फॉलो करने थे. अगर आपका ऑपरेंड आता है, ओके, ऑपरेंड क्या है, नॉर्मल न्यूमेरिक की अल्फाबेटिक वैल्यू अगर आती है तो हमको क्या करना है, उसको स्टैक में पुश करना है. और अगर हमारे पास ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर आने के बाद हमको तीन स्टेप फॉलो करने थे. उसमें ये था कि फर्स्ट टू वैल्यूज जो आपके स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, टू वैल्यूज उसको वहां से रिमूव करना है, उसमें ऑपरेटर के साथ उसको इवैल्यूएट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन वापस स्टैक में पुट करना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या दी हुई है, 5. तो सिंबल स्कैन इज 5. तो स्टैक में आएगा क्योंकि आपका क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड को हमको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है. उसके बाद आपके पास सेकेंड वैल्यू में क्या दी है, 6. 6 भी क्या है, आपका ऑपरेंड है, तो स्टैक में आपका ये वैल्यू भी पुश होगा. फिर आपका दिया है थर्ड पोजीशन में 2, ये भी आपका क्या है, ऑपरेंड, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई, पुश हो गई. देन आपके पास फोर्थ पोजीशन में देखिए जो वैल्यू है वो है आपका प्लस. अब क्या है, ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ तो हमको क्या करना है, टॉप टू वैल्यू स्टैक से हमने क्या करना है, ये दोनों को रिमूव करना है.
तो ये हमने रिमूव किया। अब सेकंड स्टेप होता है कि हमको जो ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है उसके साथ इसको इवैल्यूएट करना है, तो 6+2 हमारे पास जो वैल्यू आई 8, इसको हमको क्या करना है स्टैक में वापस पुश करना है। तो जब प्लस आया तो हम क्या किए, टॉप टू एलिमेंट को रिमूव किए, उसमें आपके ऑपरेटर का इवैल्यूएशन हुआ और उसके रिजल्ट को हमने स्टैक में पुश किया। तो 6+2=8, अब आपके पास स्टैक में जो वैल्यू है 5 और 8। अब यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे देखिए, फिफ्थ में आपका जो ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहा है दैट इज अ स्ट्रिप। तो अब क्या करना है, टॉप टू एलिमेंट अगेन हमको स्टैक से रिमूव करना है। 5 और 8 आपका क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट करेंगे ऑपरेटर को, तो 5 × 8 क्या हुआ आपका 40। तो ये वैल्यू अगेन आपकी क्या हो गई, यहाँ पे पुट हो गई, दैट इज 40। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो है क्या है 12। तो ये आपका नॉर्मल ऑपरेंड है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 12, स्टैक पे पुश कर दिए। देन 4 40 12 4, देन आपका आया स्लैश। ओके, स्लैश आया, अगेन हमको क्या करना है, टॉप टू एलिमेंट रिमूव करना है। सो 12 और 4 को हमने रिमूव किया, 12 स्लैश 4, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 3। इसको हमको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। स्टैक में हमने क्या किया, इसको पुश कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो स्कैन हुआ वो है आपका माइनस। तो अब क्या करना है, अगेन टॉप टू एलिमेंट को हमको रिमूव करना है। तो 40 और 3 को हमने रिमूव किया, 40 − 3 = 37, यहाँ पे हमने लिखा 37। उसके बाद जो हमारे पास आया वो है राइट पैरेंथेसिस, मतलब आपको आपका एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमने ये स्टेप्स फॉलो किए और लास्ट में जो वैल्यू मिली वो है 37। तो इसका जो वैल्यू है वो है आपका 37। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, पोस्ट फिक्स को इवैल्यूएट करना है। प्रीफिक्स आपका सिंपल था जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था। आई होप आपको ये पॉलिश नोटेशन का कंसेप्ट समझ में आया हो। इसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे कि हमको प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में कोई एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। थैंक यू।